दिया है उसमें जो डिटेल्स पता चलना है सारा चीज एड्रेस वगैरह आपने गलत बोला. सो हाय स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर से द हिंदू बेस वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे. कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके द हिंदू ट्यूटोरियल के डायरेक्टली फिक्ड वर्ड्स हैं एंड दिस सेंटेंसेस जो आपके द हिंदू ट्यूटोरियल के डायरेक्टली फिक्ड सेंटेंसेस हैं, राइट? सो विल स्टार्ट विद द सेशन. विल सी द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे. सो द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज इम्प्रीमेच्योर. इम्प्रीमेच्योर जो वर्ड है बच्चे वो आपका नाउन के सेंस में यूज होता है किसी भी सेंटेंस में. ये जो वर्ड है हम इसको नाउन के सेंस में यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में जिसका मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन टू डू समथिंग दैट इज गिवन बाय अ पर्सन और ग्रुप इन अ पोजीशन और पावर. मतलब पावर में या फिर पोजीशन में जो इंसान है उस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा या उस पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा आपको किसी भी काम को करने का अगर ऑफिशियल परमिशन मिला हुआ है तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड इम्प्रीमेच्योर. अगेन आई एम रिपीटिंग कि ऐसा पर्सन या ग्रुप जो एक्चुअली पोजीशन होल्ड कर रहा है उसको एक पावर गवर्नड है, फाइन, और उसने आपको कोई ऑफिशियल परमिशन दिया है किसी भी काम को करने के लिए तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड इम्प्रीमेच्योर, राइट? अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है. मिस्टर मोदी कैरेक्टरिस्टिकली सीज टू इट दैट हिज इम्प्रीमेच्योर ऑन ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस इज अनमिस्टेकेबल. मिस्टर मोदी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिफाइन किया गया है वो बोल रहा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी उन्होंने ऑफिशियल परमिशंस दिए हैं अभी तक जितने भी एग्जीक्यूटिव्स को उनके सारे डिसीजंस अभी तक सही निकले हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं निकली है. स्टिल द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल थ्रोज लाइट ऑन मिस्टर मोदीज थिंकिंग. फिर भी जो काउंसिल उन्होंने बनाया है उस काउंसिल का जो कंपोजिशन उन्होंने किया है वो क्या दिखा रहा है, वो क्या शो कर रहा है, वो उनके थिंकिंग पे नजर डाल रहा है, वो उनके थिंकिंग पे रोशनी डाल रहा है. द इंडक्शन ऑफ हिज लॉन्ग टाइम लेफ्टिनेंट एंड बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह एज होम मिनिस्टर नॉट ओनली फोर्टिफाइज द प्राइम मिनिस्टर्स अथॉरिटी. वो बोल रहे हैं कि इतने लंबे टाइम से द इंडक्शन जो चेंजेस उनमें किए गए हैं, द चेंजेस ऑफ हिज लॉन्ग टाइम लेफ्टिनेंट जो उनके सबसे लंबे टाइम से लेफ्टिनेंट है या फिर जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है अमित शाह उनको अब जो होम मिनिस्टर बनाया गया है वो सिर्फ फोर्टिफाई मतलब वो सिर्फ और सिर्फ फोर्टिफाई नहीं करता है प्राइम मिनिस्टर के अथॉरिटी को. इट माइट बी द प्रिकर्सर. प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर्स, फोररनर. वो एक फोररनर, इट माइट बी द फोररनर, इट माइट बी द एंसेस्टर्स टू फर्दर चेंजेस इन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन. वो और शो कर सकता है कि आगे और क्या चेंजेस होने हैं पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में एंड द नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. और जो आपका नेशनल सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर बनेगा दैट इज़ वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल और वो देख वो मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें फर्दर और भी चेंजेस देखे जाएंगे, राइट? सो दैट इज़ द मीनिंग फॉर द सेंटेंस हियर. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सो सिनोनिम फॉर द वर्ड इज परमिशन. तो परमिशन तो आपका सिनोनिम है ही. नेक्स्ट वर्ड इज चार्टर. चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का मतलब होता है कि आपको कोई रिटन ऑफिशियल परमिशन मिला हुआ है अपने कंट्री के लेजिस्लेटिव पावर से, ठीक? अगेन आपको कोई रिटन परमिशन मिला हुआ है कंट्री के लेजिस्लेटिव पावर से तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड इम्प्रीमेच्योर, राइट? अब देखो इसका एंटोनिम क्या है. सो द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? बैन, ठीक है? तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है बैन और ये जो वर्ड है प्रोहिबिशन ये आपका एंटोनिम की तरह बिहेव करेगा फॉर द सिंटैक्स, राइट? सो आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड.
सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज ट्रायम्वराइट. ट्रायम्वराइट जो वर्ड है बच्चे, ये भी आपका नाउन के सेंस में कंसिडर किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, जिसका मतलब होता है अ बोर्ड ऑफ थ्री ऑफिशियल्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सम टास्क. मतलब कि तीन ऑफिशियल्स का, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रायंगल. तीन ऑफिशियल्स का बोर्ड है, ठीक है, जो मिलकर ये तीनों ऑफिशियल्स जो हैं, दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पर्टिकुलर टास्क. तो हम इसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड ट्रायम्वराइट. राइट, अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है. By placing the two confidants in critical ministries, जब हम वहाँ पर दो confidants को place कर रहे हैं critical ministries में, Mr. Modi appears to loosen the grip of his own office on the government. ये फिर ऐसा हम देख सक रहे हैं कि Mr. Modi जो है वो अपना खुद का hold, वो अपना खुद का grip miss कर रहे हैं, lose कर रहे हैं अपने खुद के office में, अपने खुद के government में. The effects will be felt by National Security Advisor Ajit Doval if he continues into a second term as is widely expected. और इसका जो result है, इसका जो effect है, ये हम feel कर पाएंगे जब National Security Advisor जो हमारे Ajit Doval है present time में, अगर वो अपना दूसरा term जो है, जो उनका दूसरा term है, जो उनका second term है, वो कंटिन्यू करेंगे, और जो बहुत हद तक एक्सपेक्टेड है कि वो करेंगे ही करेंगे. राइट, द ट्रायम्वरेट ऑफ मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह एंड मिस्टर जयशंकर, और ये जो तीन लोग हैं जो मिलकर रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह एंड मिस्टर जयशंकर विल फॉर्म द सेंटर ऑफ पावर. यही आपका पावर का, ये मतलब पावर में यही सेंटर में पावर आपका होल्ड करेंगे. राइट, सो दैट इज द मीनिंग फॉर द सेंटेंस हियर. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड. सो सिनोनिम फॉर द वर्ड इज ट्रायड एंड ट्रायका. ये दोनों वर्ड जो है वो थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, तो हम इन दोनों को सिनोनिम कंसीडर कर सकते हैं फॉर द वर्ड. राइट, सो आई होप दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड. So the next word for today is shambolic. Shambolic जो word है बच्चे, वो आपका verb के sense में use होता है किसी भी sentence में. We can use this word in the sense of verb in any sentence, which means chaotic, जो you know बहुत ज़्यादा chaos create करता है, बहुत ज़्यादा disorganized है, या mismanaged. कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा chaotic है, disorganized है, या mismanaged है, तो हम उसको define करते हैं with the word shambolic. राइट, अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है. इट इज हार्ड टू पिक अ सिंगल लो पॉइंट. वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है चूज करना एक सिंगल लो पॉइंट फॉर सच अ शैम्बोलिक कैंपेन. इतना ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड कैंपेन के लिए, इतना ज्यादा मिसमैनेज्ड कैंपेन के लिए एक छोटा सा सिंगल लो पॉइंट जो है वो पिक करना बहुत मुश्किल है. बट If there is one that stood out for me, it is this. लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई एक है जो मेरे लिए खड़ा हो सकता है, तो फिर ये है. ये क्या है? In an interview with NDTV, Srinivasan Jain, एक इंटरव्यू में NDTV के साथ Srinivasan Jain जो हैं, NDTV के आपके वो राहुल said he had dismantled नरेंद्र मोदी's इमेज with his pet slogan चौकीदार चोर है. राहुल गांधी का ऐसा कहना था जब वो NDTV में इंटरव्यू के लिए आए थे श्रीनिवासन जैन के साथ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की इमेज जो है वो खराब कर दी उनके पेट स्लोगन से ही कि चौकीदार चोर है. ठीक है, तो जो इतना शैम्बोलिक कैंपेन है, इतना क्योटिक कैंपेन है, उसके लिए एक छोटा सा एक सिंगल लो पॉइंट ढूंढना बहुत मुश्किल है. राइट, सो दैट इज द मीनिंग फॉर द सेंटेंस हियर. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सो सिनोनिम फॉर द वर्ड इज मडल्ड. मडल्ड का मतलब क्या होता है? मडल्ड का मतलब होता है कन्फ्यूजन. नेक्स्ट वर्ड इज कन्फ्यूज्ड. तो कन्फ्यूज तो आपका सिनोनिम है ही फॉर द वर्ड. And the antonym for the word is efficient and organized. कोई भी word जो बहुत अच्छे से, बहुत efficiently organized करी गई है,
या ऑर्गेनाइज तो इसका सिनोनिम है ही, तो सॉरी एंटोनिम है ही, तो हम इन दोनों को एंटोनिम कंसिडर कर सकते हैं फॉर द वर्ड शैपॉन, राइट. सो आई होप दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड. सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज लेट मोटिव. लेट मोटिव जो वर्ड है बच्चे वो आपका नाउन के सेंस में यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, जिसका मतलब होता है अ रिकरेंट थीम थ्रू आउट अ म्यूजिकल और लिटरली कंपोजिशन. मतलब जिस भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, जिस भी पर्टिकुलर कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, वही थीम कंटिन्यूअसली उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चल रहा है, associated with a particular person, idea or situation. जहाँ पर किसी particular person का idea, situation से associated है और वही पूरा time तक वही एक common theme वहाँ पर चल रहा है, तो हम उसको define करते हैं with the word leitmotiv, right? अब देखो उसको sentence में कैसे use किया गया है. Death to Congress. कांग्रेस जो मर गया और अब कांग्रेस फ्री इंडिया, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा इंडिया जो अब कांग्रेस फ्री है, कांग्रेस मुक्त है, इज नॉट अ न्यू लेट मोटिव इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स. वो कह रहे हैं कि वो अब एक नया कंपोजिशन बनकर नहीं आ सकता कंट्री के पॉलिटिक्स में. दो द आइडिया अपीयर्स टू हैव अक्वायर्ड अ न्यू अर्जेंसी फॉर सम. लेकिन हालांकि जो आइडिया वहां पे नजर आ रही है वो क्या अक्वायर कर रही है, वो कुछ नए थॉट्स को, वो कुछ नए आइडियाज को वहां पर रिप्रेजेंट करने की डिमांड कर रही है. दिस कॉल फॉर अ कांग्रेस फ्री इंडिया कम्स फ्रॉम डायमेट्रिकली अपोजिट पर्सपेक्टिव. और ये ऐसा कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर हम एक कांग्रेस फ्री इंडिया डिमांड कर रहे हैं, जो कहाँ से आ रहा है, वो डायमेट्रिकली अपोजिट पर्सपेक्टिव से आ रहा है, राइट. सो दैट इज द मीनिंग फॉर दिस सेंटेंस. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सो सिनोनिम फॉर द वर्ड इज मोटिव. मोटिव का मतलब क्या है, जो आपका जो बेसिकली आपका थीम है, जो बेसिकली आपका एम है उस पर्टिकुलर काम को करने का, जिस चीज को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक. तो आपका मोटिव, थीम, ये सब तो उसका सिनोनिम की तरह बिहेव करेगा ही करेगा. एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज एमलेस. जहाँ पर आप बिना किसी थीम के, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी एम्बिशन के किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको एंटोनिम कंसिडर कर सकते हैं फॉर द वर्ड लेट मोटिव, right? So I hope this word is also clear to you all. Now we'll be talking about the next word. So the next word for today is besieged. Besieged जो वर्ड है बच्चे वो आपका एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, जिसका मतलब होता है ऑफ अ प्लेस सराउंडेड बाय आर्म्ड फोर्सेस एमिंग टू कैप्चर इट और फोर्स सरेंडर. मतलब ऐसा कोई जगह जो, देखो यहाँ पे आपको फिगर में डिफाइंड है, मान लो कि ये कोई जगह है वो पूरा आर्म्ड फोर्सेस से सराउंडेड है, ठीक है. और वहां पर क्या उसका उसका एम्बिशन क्या हो सकता है तुम्हें सराउंड करने का, कि या तो वो इस जगह को कैप्चर करना चाहता हो, या फिर ये चाहता हो कि उसके अंदर में जो भी लोग है वो जबरदस्ती वहां पर सरेंडर करें, राइट. सो दैट इज बेसिकली besieged. अब देखो उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है. द अदर टूल ऑफ कांग्रेस पॉपुलैरिटी, जो दूसरा एक्चुअली टूल है कांग्रेस के पॉपुलर होने का, पैट्रोनेज, दैट इज पैट्रोनेज जो उनके पूर्वजों का बेसिकली है, टर्न्ड फ्रॉम पैट्रोनेज ऑफ सोशल ग्रुप्स टू पैट्रोनेज ऑफ इंडिविजुअल. वो क्या यहाँ पे जता रहा है, दैट इज कि जो उनका पैट्रोनेज था पहले सोशल ग्रुप्स का, वो प्रेजेंट टाइम पे क्या बन गया है, वो प्रेजेंट टाइम पे पैट्रोनेज बन गया है इंडिविजुअल का, राइट. वेस्टेड इंटरेस्ट फर्स्ट, जहां पर पहले इंटरेस्ट हुआ करता था क्रोनी कैपिटलिज्म पे, पोस्ट लिबरलाइजेशन पे, ठीक है. जो क्रोनी कैपिटलिज्म है पोस्ट लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन के पहले का टाइम है, वहां पे जो भी क्रोनी कैपिटलिज्म है उसमें वो इंटरेस्ट हमारा ग्रास्प करते थे, गेन करते थे. दिस स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ पावर ब्रोकर्स. और इसी वजह से धीरे धीरे करके जो पावर ब्रोकर्स हैं
उनका हाथ जो है वो वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ. हु बिसीज्ड द फैमिली, उन्होंने क्या किया कि फिर उसी फैमिली को कैप्चर किया, फोर्सफुली सरेंडर करवाया एंड एक्टेड ऑन देयर बिहाफ विद एरोगेंस. और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, वो उनके ही बिहाफ पे काम करने लगे, जरूरत से ज्यादा घमंड दिखाकर, राइट. और यही मतलब दिस इज बेसिकली जो उसका स्ट्रेंथन हैंड्स ऑफ पावर्स था, वहाँ पे पावर ब्रोकर्स थे, उन्होंने क्या किया, उसी फैमिली को धोखा दिया और उनके बिहाफ पर काम करने लगे बहुत ज्यादा घमंड के साथ, राइट. सो दैट इज द मीनिंग फॉर दिस सेंटेंस. यू Now we'll be talking about synonyms and antonyms. So synonym for the word is what? Biliego. Biliego का मतलब क्या होता है? Biliego का मतलब होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा difficult situation में रखना. ठीक, अब तुम किसी को surround करके रख रहे हो armed forces से, या आप उसको surrender करवा रहे हो, that simply means कि आप उसको difficult situation में रख रहे हो, तो ये आपका synonym हो गया. Next word is what? Encircle. Encircle का मतलब क्या होता है? Encircle का मतलब होता है surround. ठीक, तो सराउंड भी आपका सिनोनिम हो गया. एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज लेट गो, या फिर तुम बोल सकते हो लीव अलोन. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपका एंटोनिम की तरह बिहेव कर सकते हैं फॉर द वर्ड मैसेज्ड, राइट. सो आई होप दिस वर्ड इज आल्सो क्लियर टू यू. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड. सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज टैंटमाउंट. टैंटमाउंट जो वर्ड है बच्चे, वो आपका एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, जिसका मतलब होता है इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू वर्चुअली द सेम एज. मतलब कोई चीज जैसी है, आप बिल्कुल उसी के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उसके जैसे आप बिल्कुल उससे उसके जैसे आप बनने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो जितनी सीरियस है आप उसके इक्विवेलेंट सीरियसनेस आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड टैंटमाउंट, राइट. अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है. देयर मे बी मेनी थिंग्स दैट यू डिसअप्रूव ऑफ. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप डिसअप्रूव कर सकते हैं इन दीज अरेंजमेंट्स, इस अरेंजमेंट में, बट दैट इज अन inescapable reality. लेकिन वो ऐसी reality है जिससे हम बच नहीं सकते. ठीक है, calling for a congress today. अगर आज के date में हम congress के बारे में बात करते हैं या हम उनको बुलाने की बात करते हैं, without a Nehru Gandhi at its helm is tantamount to calling for a congress for India, at least for now. तो अगर present time में अगर हम congress को बोलने की बात कर रहे हैं बिना नेहरू के या गांधी के, at its helm का मतलब क्या है कि जिस तरीके से नेहरू या जिस तरीके से गांधी पर, जो पहले के हैं आपके इंदिरा गांधी हैं, वो लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे जैसे रूल किया है, अगर हम उसको प्रेजेंट टाइम में नहीं ला सकते हैं, तो इट इज, तो फिर ये बहुत ज्यादा सिमिलर है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसके बराबर की चीजें बात कर रहे हैं कि हमें प्रेजेंट टाइम पे फिर एटलीस्ट अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो है, इस प्रेजेंट सिनारियो में हमें कांग्रेस फ्री इंडिया चाहिए. ठीक है, फिर हम क्या करें, अगर हम नेहरू या गांधी का जो तरीका था, जो उनका तरीका था किसी भी पर्टिकुलर चीज को हैंडल करने का, ठीक है, अगर हम उसको नहीं ला सकते हैं कांग्रेस में, तो ये बहुत ज्यादा इक्विवेलेंट है कि प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारे कंट्री का, उसमें हमें कांग्रेस फ्री इंडिया चाहिए. वी आर कॉलिंग फॉर इट, राइट. सो दैट इज द मीनिंग फॉर दिस सेंटेंस. यू नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सिनोनिम फॉर द वर्ड इज कॉमेंसुरेट. कॉमेंसुरेट का भी मतलब बिल्कुल सेम है एज इन इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू और वर्चुअली द सेम एज, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का मतलब क्या है, कोई चीज जो बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी, हम बोलते हैं ना आइडेंटिकल है दोनों, मतलब दोनों जुड़वा है, राइट. तो ये दोनों वर्ड आपका सिनोनिम की तरह बिहेव करता है फॉर द वर्ड टैंटमाउंट. एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज डिफरेंट एंड अपोजिट. कोई भी ऐसी चीज जो अलग है, देखने में अलग है, एक दूसरे से विपरीत है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो हम इन दोनों को एंटोनिम कंसिडर कर सकते हैं फॉर द वर्ड, राइट. सो आई होप बच्चे ये वर्ड भी आप सबको क्लियर है. किसी भी वर्ड में कुछ डाउट हो, कुछ भी जो ना समझ में आया हो, तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, फॉर नाउ आई होप ये वर्ड आप सबको क्लियर है. वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड.
सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज एसुवेज. एसुवेज जो वर्ड है बच्चे वो आपका वर्ब के सेंस में यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, जिसका मतलब होता है कोई भी अनप्लीजिंग फीलिंग, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना, आप उस अनप्लीजिंग फीलिंग को आप और उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं. मतलब जो चीज आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है आप उसको धीरे धीरे करके काम डाउन कर रहे हैं, आप उसको शांत कर रहे हैं, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड एसुवेज. राइट, अब देखो उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है. व्हाइल मोदी हैड पीरियोडिकली स्पोकन अबाउट बीजेपी, मोदी जो है वो हर पीरियड, मतलब रुक रुक कर उन्होंने हर पीरियड में बीजेपी के बारे में बात करी है. बींग एन इंक्लूसिव पार्टी, कि वो जो पार्टी है वो इंक्लूसिव पार्टी है. एंड पनिशिंग इंस्टिगेटर्स ऑफ रिलीजियस वायलेंस, और उन्होंने हमेशा पनिश किया है जो रिलीजियस के नाम पे वायलेंस क्रिएट करते हैं, वैसे इंस्टिगेटर्स को जो इंस्टिगेट कर रहे हैं और रिलीजन के नाम पे वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं. बीजेपी ने हमेशा मोदी जी ने हमेशा बताया है कि बीजेपी एक इंक्लूसिव पार्टी है और उन्होंने हमेशा वैसे लोगों को पनिश किया है जो रिलीजियस के नाम पे वायलेंस फैला रहे हैं. राइट, इट हैज ऑफन बीन अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट, और यहाँ पे कई बार मतलब बोल रहे हैं कि ज्यादातर ये कैसा केस बना है, टू लिटिल या टू लेट का, ठीक है, कि बहुत ज्यादा लेट हो गई है या बहुत ज्यादा कम की बात हो रही है. नाउ मोदी हैज द अपॉर्चुनिटी टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, और अब मोदी जी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने रिकॉर्ड को बिल्कुल सेट कर सकते हैं सीधा सीधा. पुट द इलेक्शन रेटोरिक बिहाइंड है, वो जो भी इलेक्शंस में जो भी बोला या बताया गया है उसको वो अपने पीछे रखें. एंड असुवेज फियर्स, और जो उनका फियर है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको उसकी इंटेंसिटी को वो और कम करें. दैट इंडिया इज टेकिंग द मेजोरिटेरियन रूट, कि ये जो थॉट है कि इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या कर रहे हैं, मेजोरिटेरियन रूट को ले रहा है, उस फियर को उस फियर्स की इंटेंसिटी को वो कम कर उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं और वहाँ पे वो अपना रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं. राइट, तो यहाँ पर असुवेज ऑफ फियर्स क्या डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर असुवेज ऑफ फियर ये डिफाइन कर रहा है कि जो भी वहाँ पर डर है किसी अनप्लीजिंग चीज का, जो वहाँ पर डर है हम उसकी इंटेंसिटी को धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं. राइट, so that is the meaning for this sentence. Yo, now we'll be talking about synonyms and antonyms. So synonym for the word is palliate. What do you mean by the word palliate? Palliate का मतलब होता है कि आप किसी भी particular चीज के seriousness को कम कर रहे हैं without removing the cause. मतलब जो reason है उसकी intensity को बढ़ाने का, आप उस रीजन को खत्म ना करते हुए आप उसकी intensity को कम कर रहे हैं, तो हम उसको define करते हैं with the word palliate. राइट, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, मिटिगेट. मिटिगेट का मतलब क्या होता है, मिटिगेट का मतलब होता है लेस. फाइन, एंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड इज एग्रोवेट. एग्रोवेट का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऐसी चीज जो ऑलरेडी आपको परेशान कर रही है उसके इफेक्टिवनेस को और बढ़ाना, ठीक है, उस प्रॉब्लम को और वर्स करना, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड एग्रोवेट. एंड सेम इज द मीनिंग फॉर इंटेंसिफाई आल्सो. राइट, सो एग्रोवेट और इंटेंसिफाई जो यहाँ पर वर्ड है वो दोनों सिनोनिम है एक दूसरे का, जो क्या डिफाइन कर रहा है कि मेक प्रॉब्लम मोर वर्स. राइट, and that is the reason we can consider aggravate and intensify as the antonym for the word assuage. Right, so I hope ye word aap sabko clear hai. Now we'll be talking about the next word. So the next word for today is pandemic. Pandemic jo word hai bachche wo aapka adjective ke sense mein use hota hai kisi bhi sentence mein, जिसका मतलब होता है प्रिवेलेंट ओवर अ होल कंट्री और द वर्ल्ड. ऐसी कोई चीज जो पूरे के पूरे कंट्री में या पूरे के पूरे वर्ल्ड में प्रिवेलेंट है, हर जगह वो वाइड स्प्रेड है, हर जगह वो उसी तरीके से चल रहा है, उसी तरीके से उसको बनाया गया है, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड पैंडमिक. राइट, अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया. शी अज्यूम चार्ज एट अ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टाइम, ठीक है, उन्होंने चार्ज को उन्होंने उस पर्टिकुलर काम के चार्ज को लिया है ऐसे टाइम पे जो ऑलरेडी काफी ज्यादा मुश्किल है.
when GDP growth has dipped to 5.8%, जब GDP का जो growth है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, 5.8% हो गया है, a 17-quarter low, which is a 17-quarter low, and the bad loans pandemic has spread to NBFCs. और जो bad loans का जो pandemic है, मतलब जो bad loans जो है वो prevalent है, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, that has been spreaded a lot and वो अब तक NBFCs तक भी पहुँच चुका है. Yet with political backing from the PM, फिर भी जो उनको political support है, backing यहाँ पर क्या define कर रहा है, backing यहाँ पे आपका support define कर रहा है. Politically उनके पास support है PM का. सीतारमन has an opportunity like मनमोहन सिंह in 1991. सीतारमन के पास ये opportunity है जैसे कि मनमोहन सिंह के पास थी 1991 में to unveil economic reforms, कि वो economic reforms को unveil करें that liberalize the land labor capital market. वो economic reforms में changes लाए, वो उसको और अच्छे से present करें जो liberalize कर रहा है land, labor और capital markets को. Right? So that is the meaning for the sentence here. Now we'll be talking about synonyms and antonyms. So synonym for the word is widespread. Widespread prevalent over a whole country. मतलब पूरे जगह पे फैला हुआ है तो हम widespread को तो synonym consider कर ही सकते हैं. Next word is what? Next word is pervasive. Pervasive का मतलब क्या होते हैं? Pervasive also defines spreading widely. तो ये भी हमारा synonym है. And the antonym for the word is abnormal. Abnormal का मतलब क्या है कि जो चीज normally नहीं है वो इतना ज़्यादा prevalent कैसे हो सकती है, right? And next word is exclusive. Exclusive मतलब जो उसी particular चीज के लिए आई हुई है वो exclusively उसके लिए आई हुई है, जो वो obviously हर किसी को नहीं मिलेगी, वो हर जगह prevalent नहीं हो सकती. तो हम इन दोनों को antonym consider कर सकते हैं for the word. Right, so I hope this word is also clear to you. Now we'll be talking about the last word for today. So the last word for today is untrammeled. Untrammeled जो word है बच्चे, वो आपका adjective के sense में use होता है किसी भी sentence में, जिसका मतलब होता है not deprived of freedom of action or expression, not restricted or hampered. कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी तरीके से फ्रीडम है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने का या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्रेस करने का आपके पास पूरी तरीके से फ्रीडम है, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है या आपको किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं किया जा रहा, तो हम उसको डिफाइन करते हैं विद द वर्ड अनट्रामल्ड. बेसिकली ट्रामल्ड का मतलब क्या होता है, टू बी रिस्ट्रिक्टेड, टू बी हैम्पर्ड, जहाँ पर आपको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, राइट. अभी यहाँ पर अनवर्ड यूज है विच बिहेव्स एज व्हाट, विच बिहेव्स एज नेगेटिव प्रीफिक्स, और सिंस यहाँ पर अन नेगेटिव प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, हम ट्रामल्ड वर्ड का जो अपोजिट होगा, जहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे या हम वहाँ पर फ्रीडम प्रोवाइड कराएंगे, हम उसको अनट्रामल्ड का मीनिंग कंसिडर कर सकते हैं, राइट. अब देखो उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है. If Rahul Gandhi was less inept, India would host a more viable opposition. कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखो viable का मतलब क्या है. अगर राहुल गांधी वहां पे लेस इनेप्ट होते तो इंडिया ज्यादा अच्छा अपोजिशन जो है जो बहुत सक्सेसफुली अपोज कर सकता था, हम वहां पर और एक अच्छा अपोजिशन को होस्ट कर सकते थे. Instead, it faces the prospect of a prime minister with virtually untrammeled power. हालांकि वो face कर रहे हैं ऐसे prospect prime minister का जहाँ पे virtually उनके पास पूरी तरीके से freedom है और power है. If you believe that democracy works best with checks and balances, और अगर हम इस particular चीज़ को मानते हैं, इस particular चीज़ पे believe करते हैं, तो democracy जो है, जो right to speak है, वो बहुत अच्छे से काम करता है जब हम हर पर्टिकुलर चीज़ों पे नज़र रखते हैं या हम उसको बैलेंस करके रखते हैं. देन कांग्रेस प्रॉब्लम इज इंडियाज़ प्रॉब्लम टू.
तो इसी वजह से अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम ये भी जानते होंगे कि जो कांग्रेस की प्रॉब्लम है वो इंडिया की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर एक अच्छा ऑपोजिशन नहीं होगा तो सामने वाला काम कैसा कर रहा है, वो उस पर नज़र कैसे रखेगा, वो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे करेगा, राइट? तो इसी वजह से अगर कांग्रेस प्रॉब्लम में है, क्योंकि वही अपोजिशन में है, तो अगर कांग्रेस प्रॉब्लम में है तो इंडिया भी प्रॉब्लम में है, right? So that is the meaning for the sentence here. Now we'll be talking about synonyms and antonyms. So synonym for the word is unbridled. Unbridled का मतलब क्या है? Unbridled का मतलब है uncontrolled. Next word is what? Next word is rampant. Rampant का मतलब क्या होता है? Flourishing या फिर spreading. तो ये दोनों हमारा synonym की तरह behave करेगा. And the antonym for the word is checked and restrained. जहाँ पर हम नजर रख रहे हैं, जहाँ पर हम उसको बांध के रख रहे हैं, जहाँ पर हम पाबंदी लगा रहे हैं, तो हम उसको antonym consider कर सकते हैं for the word untrammeled. Right? So I hope this word is also clear to you all. Fine. So okay students, these were the words for today. I hope आपको सारे words clear होंगे. किसी भी word में कुछ doubt हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप session के बाद भी हमसे comment section में पूछ सकते हैं. For today, we are just ending our session here. Thank you everyone and take care.